हेलो एवरीवन, इसके पहले वाले वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल एंड ऑल दीज टाइप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो गो एंड हैव अ लुक ऑफ दैट। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। फर्स्ट, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एट द एंड छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकें, on which is capable of being measured in any arbitrary degree of fineness or exactness. For example, age है, हम age को years में, months में, weeks, then days, then hours में measure कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी एक variable को उसके छोटे से छोटे part में divide कर सकते हैं तो that variable is called continuous variable। वैसे ही time है, हम time को hour, minute, second, microsecond में भी measure कर सकते हैं। weight को भी उसने ही किलोग्राम ग्राम में मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। वहीं डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक क्लियर गैप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स या तो 3, 4, 5 होंगे, 3.5, 4.5 नहीं होंगे। सो वो वेरिएबल्स जिनके बीच में क्लियर गैप हो, उनको बस हम या तो 1, 2 इस तरह में मेजर कर सके, तो वो वेरिएबल्स होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में वो वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनको जो मैनमेड होते हैं, जो हमने बनाए हुए होते हैं अपने नॉर्म्स में, खुद के नॉर्म्स बनाकर। सो फॉर एग्जांपल, पास एंड फेल, हम 33% के नीचे फेल और उसके ऊपर पास बोल सकते हैं। सो हमने एक डिस्क्रीट बना लिया, पास और फेल के बीच में कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन पास एंड फेल। वहीं नेचुरल डिस्क्रीट वेरिएबल्स मेल और फीमेल एक प्रोटोटिपिकल एग्जांपल हो सकता है। क्यों? अब हम मेल और फीमेल बिकॉज इट इज़ नेचुरल एंड डिस्क्रीट इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल के बीच में अगर देखें तो कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट, मॉडरेटर वेरिएबल्स, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट को मॉडरेट कर सकते हैं। Those variables which are manipulated or selected by the experimenter because they are suspected to moderate the relationship of the independent variable with dependent variable. जब experimenter को ये बात पता होती है कि हाँ ऐसे कुछ variables हैं जो हमारे result को manipulate कर सकते हैं, तो researcher उन variables को control करता है या उनको select करता है क्योंकि उससे ये बात पता होती है कि that can मैनिपुलेट आर रिज़ल्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग देख रहे हैं तो हमने दो मेथड ले लिए, ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का। उसके बाद हम मार्क्स पे उसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग ही हमारे मार्क्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हमें ये बात पता है कि इंटेलिजेंस अगर जिसका हाई होगा तो चाहे वो ऑनलाइन मेथड से पढ़े चाहे ऑफलाइन मेथड से पढ़े, उसका रिज़ल्ट हो सकता है बाकियों से बेटर ही आए। तो रिसर्चर इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट करेगा, अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करेगा, हाई लेवल इंटेलिजेंस, लो लेवल इंटेलिजेंस को अलग अलग करेगा, फिर उनके बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन हाई इंटेलिजेंस को देगा, लो इंटेलिजेंस को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड देगा। तो ये वेरिएबल्स रिसर्चर्स को पता होते हैं। अभी यहाँ पे इट इज़ लुकिंग क्वाइट सिमिलर टू एक्सट्रोनियस वेरिएबल, बट एक्सट्रोनियस वेरिएबल में क्या होता है कि रिसर्चर को पता नहीं होता है कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, वो कभी हो सकता है आएँ और कभी ना आए। बट मॉडरेटर वेरिएबल में थ्रू द हेल्प ऑफ लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर को ये पता होता है कि कौन से वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इस वजह से कौन से वेरिएबल हमारे रिज़ल्ट को मॉडरेट कर सकते हैं, इस वजह से वो उन वेरिएबल्स को सेलेक्ट करता है और फिर उसके बाद रिसर्च को आगे कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं और हमारे रिज़ल्ट को या हमारे बिहेवियर जिसको हम मेजर करते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फ़र्क ये होता है कि इन्हें हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता है कि कौन सी चीज़ इन दोनों के बीच में आई, हमारे आईवी और डीवी के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आई और जिसने हमारे रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस किया। अभी एग्जांपल के लिए, बाय चांस लेवल ऑफ़ एजुकेशन और लेवल ऑफ़ इनकम, हम इसमें एक कोरिलेशन देख सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ़ एजुकेशन का हाई लेवल ऑफ़ इनकम होती है, ठीक है। बट क्या सिर्फ एक यही
चीज़ है जो हाई लेवल ऑफ इनकम दे रही है? नो, दे कैन बी समथिंग इन बिटवीन। जैसे कि अगर लेवल ऑफ एजुकेशन है वो इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे ऑक्यूपेशन को, और इन टर्न ऑक्यूपेशन हमारी हाई लेवल ऑफ इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, जो उसकी ऑक्यूपेशन एक अच्छा ऑक्यूपेशन मिलने में जिसने उसकी हेल्प करी, इन टर्न दैट ऑक्यूपेशन लीड्स टू अ हाई लेवल ऑफ इनकम। तो ये सारे जितने बीच में फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। एक भी हो सकते हैं, वन कैन इन्फ्लुएंस अनदर एंड अनदर कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर। तो बीच में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल, और इन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, कि हमें नहीं पता होता है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर चीज़ कौन सी है जो हमारे रिसर्च में आ रही है। नेक्स्ट, एक्टिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट कर सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिव वेरिएबल्स में आ जाती हैं। बस दोनों में IV और एक्टिव वेरिएबल में इंटरचेंजेबली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट IV DV के साथ यूज़ होगा और एक्टिव वेरिएबल एट्रीब्यूट वेरिएबल के साथ यूज़ होगा। एट्रीब्यूट वेरिएबल इज़ ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होते हैं, यानी हम एक्टिव वेरिएबल को का इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हम रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है उसको एक्टिव वेरिएबल बोलते हैं। और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको मेजर कर रहा है रिसर्चर, बट वो वेरिएबल्स सिर्फ ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल ही होने चाहिए, यानी हम उनका इफ़ेक्ट एज, इंटेलिजेंस, सेक्स, इन सारी चीज़ों पर ही देख रहे हों जो ऑर्गेनिज्मिक रिलेटेड हों, ना कि ऑर्गेनिज्मिक से बाहर। तो दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। स्टिमुलस वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल बहुत ही सिंपल टाइप में, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए इवोक करे तो वो चीज़ स्टिमुलस वेरिएबल हो जाती है, और हमारा जो बिहेवियर होगा वो रिस्पॉन्स वेरिएबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और हम उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, तो द नोटिफिकेशन का आना इज़ कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएबल, और हमारा उस नोटिफिकेशन को चेक करना इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स वेरिएबल। नाउ लेट्स टेक अ क्विक समरी, जो इतनी भी पार्ट वन में भी पढ़ी और पार्ट टू में भी अभी जो पढ़ी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं, जिसका इफ़ेक्ट हम देख रहे होते हैं, जो टाइप ई और टाइप एस दो तरह की हो सकती हैं। टाइप ई को रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है, टाइप एस को सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टास्क, एनवायरनमेंट एंड सब्जेक्ट वेरिएबल इसके टाइप्स हो जाते हैं, जिसको डिटेल में पार्ट वन के लेक्चर में आई हैव टोल्ड। नेक्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल IV और DV, जिसका इफ़ेक्ट हम देख रहे होते हैं, वो IV, और जिसको मेजर कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल को एक्सट्रोनियस वेरिएबल भी बोलते हैं, जो भी सारे वेरिएबल जो हमारे रिसर्च के बाहर होते हैं बट दैट कैन इन्फ्लुएंस आवर रिसर्च, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रोनियस वेरिएबल। एंड द एक्सपेरिमेंटर ट्राइज टू कंट्रोल दैट वेरिएबल, और ये वेरिएबल्स रैंडम हो सकते हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट इन सम रिसर्च एंड मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी अदर रिसर्च। ये तीन तरह से हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्मिक, सिचुएशनल एंड सिक्वेंशियल वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जब हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर सके, लाइक रेस, जेंडर, वो सारी क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर डमी वेरिएबल आ जाता है, जिसको इंडिकेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि जब हम किसी क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिफाई करें, उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करें, तो वो वेरिएबल हमारा डमी वेरिएबल कहलाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकें, सो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये दो तरह के होते हैं, कॉन्टीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टीन्यूअस वो वेरिएबल जिसको हम टुकड़ों में काउंट कर सकते हैं, छोटी से छोटी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक टाइम। और डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, बट उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते छोटे पार्ट्स में, लाइक नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। तो या तो ये 2 होंगे या तो 3 होंगे, बट इट कैन नॉट बी 2.5 और 3.5।
वहीं डिस्क्रीट वेरिएबल दो तरह के हो जाते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो मैनमेड होंगे, जो हमने बनाए होंगे, और नेचुरल वेरिएबल्स में एक प्रोटोटिपिकल एग्जांपल कह सकते हैं जेंडर का, कि मेल और फीमेल, दैट इज़ अ नेचुरल डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट मॉडरेटर वेरिएबल, जो रिसर्च को पता होते हैं, दैट कैन इन्फ्लुएंस अवर रिसर्च, उसको वो कंट्रोल करता है, उसे मॉडरेटर वेरिएबल बोलते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स के बीच में होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं हम, और वो हमारे रिसर्च को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको मैनिपुलेट करता है एक्सपेरिमेंटर, और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको मेजर करता है। एक्टिव वेरिएबल इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल इज़ वेरी सिमिलर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एट्रीब्यूट वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स ही आते हैं। एंड स्टिमुलस वेरिएबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करें, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएबल, और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।